हेलो एवरीवन, मैं कैलाश लेके आ गया हूँ एक्सेल का एक यूजफुल फॉर्मूला जिसका नाम है इंडेक्स फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंक्शन के बारे में डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इंडेक्स फंक्शन को हम यूज करके कोई भी वैल्यू को डाटा में से आसानी से सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन बिलकॉप की तरह किसी भी वैल्यू को सर्च करके उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमको दिखा देता है। इंडेक्स फंक्शन और वीलुकअप फंक्शन में यही अंतर है कि वीलुकअप किसी भी वैल्यू को लेफ्ट से राइट की ओर से सर्च करता है, जबकि इंडेक्स फंक्शन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हम जानेंगे इंडेक्स फंक्शन के बारे में। इंडेक्स फंक्शन ज्यादा पावरफुल है वीलुकअप फंक्शन से। आज मैं बताऊंगा इंडेक्स फंक्शन क्यों पावरफुल है वीलुकअप फंक्शन से। तो वीलुकअप फंक्शन क्या करता है, लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम से ही लेता है और वहीं से राइट से इंफॉर्मेशन लेके हमको दिखाता है। ये राइट से लेफ्ट तक नहीं जा सकता, तो ये एक लिमिटेशन है वीलुकअप का। लेकिन इंडेक्स फंक्शन में इसका कुछ लिमिटेशन है नहीं। हम डाटा कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो फिर भी आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ वीलुकअप के बारे में। अगर आप वीलुकअप फंक्शन का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। फिर भी इस वीडियो में कुछ वीलुकअप के बारे में बता रहा हूँ आपको। सपोज यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल में बना के रखा हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और इनका मार्क, ठीक है। नीचे लिखा है स्टूडेंट नेम, मैथ और स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे एक नाम हमें इनपुट क्या है, उमेश का हमें मार्क सर्च करना है, ठीक है। तो वीलुकअप में क्या करते थे हम, पहले पुट करते थे फॉर्मूला, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद देंगे लुकअप वैल्यू। तो हमें उमेश को सर्च करना है तो लुकअप वैल्यू ये रहेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं वी 13 आ गया है। फिर देते हैं कमा, उसके बाद देंगे टेबल एरे, ठीक है, कौन से टेबल से हमको डाटा निकलना है, ठीक है। तो हम टेबल चूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये सिलेक्ट हो गया टेबल, उसके बाद देंगे कमा। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सी कॉलम से हम डाटा को सर्च करना चाहते हैं। तो हमको मैथ कॉलम लेना है, तो ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे देंगे हम नंबर 2, फिर एक कमा, उसके बाद है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप हम देंगे 0, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। देखिए हमको ये वैल्यू दिखा रहा है 70 उमेश का, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये वीलुकअप हमको दिखा रहा है वैल्यू, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट आईडी जानना चाहेंगे उमेश का, तो यहाँ पे वीलुकअप सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट तक की डाटा सर्च करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट करेंगे इंडेक्स फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे मैं वीलुकअप को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे यूज करते हैं हम इंडेक्स फंक्शन को। पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू, टाइप करेंगे इंडेक्स फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लिखा एरे, तो टोटल टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस टेबल से हमको डाटा लेना है। उसके बाद देंगे कमा, नेक्स्ट लिखा है रो नंबर, हमको सर्च करना है उमेश, ठीक है। स्टूडेंट नेम में उमेश लिखा है, कितने नंबर रो पे है उसको हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे है, यहाँ पे लिखेंगे हम 5, फिर एक कमा देंगे। उसके बाद आर्गुमेंट है कॉलम नंबर, ठीक है, कौन से कॉलम पे ये मैथ का मार्क हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए ये स्टूडेंट आईडी हो गया पहला कलम, स्टूडेंट नेम का 2 नंबर कलम, अब मैथ हो गया नंबर 3 कलम। तो 3 नंबर कलम पे है हमारा, 3 नंबर कलम पे है हमारा मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम 3, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, प्रेस करके हम एंटर। देखिए हमको वैल्यू दिखा रहा है ये 70, ये आसानी से निकाल देता है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम स्टूडेंट आईडी निकाल के देखते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। टाइप करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, पहला आर्गुमेंट है एरे, टोटल टेबल को हम सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद देंगे कमा, उसके बाद है रो नंबर, ठीक है, उमेश का रो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे टाइप करेंगे 5, ठीक है, फिर एक देंगे कमा। नेक्स्ट है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर पहले कॉलम से हम डाटा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। तो देखिए
ST4 दिखा रहा है। आप टेबल में देख सकते हो, स्टूडेंट आईडी में उमेश का स्टूडेंट आईडी है ST4, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम इंडेक्स फंक्शन को यूज करके हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कहीं से भी डाटा हम सर्च करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इंडेक्स फंक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप डाउनलोड करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरी तक पहुँच पाए। अगर आपका कुछ सवाल हो या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ट्यूटर इरा।